नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 100 शहर 100 खबर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो शुरू करते हैं पहली खबर के साथ, फटाफट खबरों का यह सिलसिला। 600 के पार हुई देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या, अब तक 10 लोगों की मौत, ठीक हुए 40 मरीज। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 5 नए मरीज, सीएम केजरीवाल की लोगों से अफवाहों से बचने की अपील, कहा जारी रहेगा जरूरी सामान की सप्लाई। नवरात्र के पहले दिन वाराणसी की जनता से सांसद मोदी का संवाद, जानकारी के लिए बताया व्हाट्सएप नंबर, कहा कोरोना से दीजिए कोरोना का जवाब। संपूर्ण भारत में 21 दिन के लॉकडाउन का आज पहला दिन, ज्यादातर सड़कें रहीं खाली, कई जगहों पर पुलिस वालों के साथ मारपीट, कानून तोड़ने वालों पर पुलिस का एक्शन। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बीजेपी एमएलए और एमएलसी से की बात, सभी एमएलए और एमएलसी 1 महीने का वेतन देंगे, मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे वेतन की राशि। संपूर्ण लॉकडाउन का असर पटना एयरपोर्ट पर भी दिख रहा है, आम दिनों में दिखने वाली चहल पहल की जगह पूरी तरह से वीरानी है, सिर्फ कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी ही एयरपोर्ट पर दिख रहे हैं। पटना लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पटना पुलिस सख्त, जक्कनपुर से लेकर मलाही पकड़ी तक एसएसपी ने किया फ्लैग मार्च, बेवजह सड़क पर घूमने वालों को पटना पुलिस की चेतावनी। लॉकडाउन को लेकर सीएस ने किया मंथन, सरकार के आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश, खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित कराने का दिया भरोसा, आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी मुखिया से होंगे मुखातिब। कोरोना को लेकर बिहारवासियों के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जन प्रार्थना पत्र, लिखा हर बिहारी बिहार रक्षक बनकर कोरोना वायरस से साहस से लड़ेगा। हाजीपुर सांसद पशुपति पारस और कटिहार सांसद दुलालचंद गोस्वामी का सराहनीय कदम, कोरोना से जंग के लिए दिए 1 करोड़ रुपए, महामारी के बचाव और रोकथाम में खर्च होगी राशि। बिहार में लॉकडाउन में खाने पीने की चीजों को लेकर सरकार ने उठाए हैं कड़े कदम, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण सचिव ने दी जानकारी, कहा दुकानदारों को हर सामान की कीमत का करना होगा डिस्प्ले। पीएम की अपील के बाद भी सीतामढ़ी में लोग लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, प्रशासन की लाख चेतावनी के बाद भी लोग सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। पटना के भी कई इलाकों में लोग लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, बैरिया इलाके में सड़क पर क्रिकेट खेल रहे हैं। लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं को इससे मुक्त रखा गया है, खाद्य सामग्री और सब्जियों की खरीद बिक्री करने का सरकार ने आदेश भी जारी किया, लेकिन बिहार शरीफ में सरकार के आदेश के बावजूद सब्जी विक्रेताओं पर पुलिस लाठी बरसा रही है। कोरोना से निपटने के लिए मधेपुरा में पूरी तैयारी है, मधेपुरा सदर अस्पताल में प्रशासन ने 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। रांची में लोग लॉकडाउन का गंभीरता से पालन कर रहे हैं, सुरक्षा घेरे में कर रहे हैं खरीदारी। पटना में एक छात्र और छात्रा के लापता होने की सूचना है, परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज, अलग अलग थाना इलाकों की घटना। आज से 9 दिनों तक चलने वाला चैत्र नवरात्र शुरू हो गया, लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में ही कर रहे हैं पूजा अर्चना, 52 शक्तिपीठों में 1 माँ चंडी का स्थान में तालाबंदी। लॉकडाउन के बावजूद गोपालगंज में लोग अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर 30 बाइक सवारों का जुर्माना, वहीं एक दुकान को किया गया सील। लॉकडाउन में कालाबाजारी को देखते हुए समस्तीपुर जिला प्रशासन ने मंडियों में छापेमारी की, मुनाफाखोरों को प्रशासन की चेतावनी। भागलपुर में भी लॉकडाउन के दौरान लोग मनमानी कर रहे हैं, कानून तोड़ने पर लोगों पर कार्रवाई। किशनगंज में लोग लॉकडाउन का गंभीरता से पालन कर रहे हैं, दवा दुकानों में एहतियात बरती जा रही है, 3 फीट की दूरी पर कर रहे हैं खरीदारी। सिमडेगा में नक्सलियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी, पेशे से ठेकेदार था मृतक, बाना थाने इलाके की घटना। गढ़वा में भी लॉकडाउन का लोग कर रहे हैं पालन, अनाज की कालाबाजारी से लोग हुए परेशान।
गढ़वा में लॉकडाउन पर हाई अलर्ट पर है जिला प्रशासन। वरीय अधिकारी ने खुद सड़कों पर संभाली कमान। सड़क पर आवश्यक वाहनों की जांच। धनबाद के पीएमसीएच में डॉक्टर दिन रात एक कर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। संसाधनों की कमी के बावजूद डॉक्टर कर रहे हैं अपना काम। कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन के बीच आज से चैत्र नवरात्र भी शुरू हो गए हैं। हर साल नवरात्र के महीने में आरा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ अरण्य देवी मंदिर में आज सन्नाटा पसरा हुआ है। मंदिर के गेट पर ताला लगा दिया गया है। औरंगाबाद में भी लॉकडाउन का पूरा असर देखा जा रहा है। लोग सरकार के आदेश का पूरा गंभीरता से पालन कर रहे हैं। सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं। बाजार वीरान हो चुके हैं। फारबिसगंज में भी लॉकडाउन प्रभावी है। लोग सरकार के आदेश का पालन गंभीरता से कर रहे हैं। दवा दुकानों पर लोग लाइन लगाकर दवा खरीद रहे हैं। लॉकडाउन में कुछ कारोबारी मुनाफाखोरी से बाज नहीं आ रहे। बगहा में कुछ कारोबारियों ने अनाज की कालाबाजारी की तैयारी की थी। सूचना पर प्रशासन ने दुकानदारों को चेता। बेतिया में भी मुनाफाखोरों ने कालाबाजारी की पूरी तैयारी की थी। प्रशासन ने कालाबाजारी की उम्मीदों पर पानी फेरा। लॉकडाउन ने दैनिक काम करने वाले मजदूरों की परेशानी बढ़ा दी। संस्थानों के बंद होने से पैसों की तंगी की वजह से मजदूर पैदल ही अपने घर जा रहे हैं। कैमूर में लोग कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लोगों ने अपने मोहल्ले में बैरिकेडिंग कर दी है। मोहल्लों में हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। हजारीबाग में कोरोना को लेकर सदर विधायक मनीष जायसवाल लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। स्थिति पर मॉनिटरिंग करते हुए विधायक लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद बोकारो में लोग अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रशासन की लाख अपील के बाद लोग घूम रहे हैं सड़कों पर। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए जामताड़ा में कुछ घंटों की छूट दी गई है। एसपी खुद कर रहे हैं हालात का मुआयना। लॉकडाउन में कालाबाजारी की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि प्रशासन कालाबाजारी करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे। लॉकडाउन में लोग गोड्डा में गंभीरता से पालन कर रहे हैं। इस दौरान नगर निगम शहर की साफ सफाई के साथ फॉगिंग भी कर रही है। अररिया में भी लॉकडाउन के दौरान लोग मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिसे देखते हुए अररिया एसपी ने अधिकारियों से बैठक करके कहा कि अधिकारी गंभीरता से लॉकडाउन का पालन कराएं। चैत्र नवरात्र के मौके पर बगहा के ऐतिहासिक मदनपुर देवी स्थान पर लगने वाला मेला इस बार नहीं लगा। कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन की वजह से मेला स्थगित हुआ। पसरा हुआ है सन्नाटा। मास्क की कालाबाजारी करते एक युवक को औरंगाबाद में गिरफ्तार किया गया। ऊंचे दामों पर मास्क बेचने की मिली थी शिकायत। मुजफ्फरपुर में कोरोना से निपटने के लिए फॉगिंग का छिड़काव शुरू हो गया है। वार्ड पार्षद ने लोगों से लॉकडाउन में सहयोग करने की अपील की है। कोरोना से निपटने में बगहा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। अस्पताल कर्मियों को किट तक उपलब्ध नहीं है। कर्मियों ने जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की। लॉकडाउन को लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन ने एक्शन प्लान के तहत आज शहर में लागू कराया। इस दौरान अधिकारियों ने शहर का मुआयना किया। कटिहार में भी कोरोना को लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है। नगर निगम अपने दायित्वों को निभाते हुए शहर के गली गली में फॉगिंग कर रहा है और इसके साथ ही नालियों में भी दवा का छिड़काव किया जा रहा है। पटना में लॉकडाउन का पालन आम हो या खास, सभी कर रहे हैं। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा गायों को चारा खिलाते दिखे। कोरोना की दहशत के बीच भी चोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला अगमकुआं थाने के भूतनाथ इलाके का है, जहां चोरों ने एक फ्लैट की खिड़की तोड़कर 5 लाख कैश समेत 12 लाख के जेवरात पर अपना हाथ साफ कर दिया। लॉकडाउन पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि जनता ने मोदी जी का साथ दिया, अब मोदी जी जनता को भरोसा दें कि भारत सरकार उनके साथ खड़ी है। जमीन विवाद में बांका में दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। बौंसी थाने के कुशपदिया की घटना है। कोडरमा में भी लॉकडाउन का लोग कड़ाई से पालन कर रहे हैं। इस दौरान सड़क पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी डटे नजर आए। लोगों को कोरोना के खिलाफ किया गया जागरूक।
हजारीबाग में भी लॉकडाउन जारी है, इस दौरान इसका उल्लंघन करने पर लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। कोरोना के कहर को रोकने के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल को सैनिटाइज किया गया है। अस्पताल उपाधीक्षक ने कहा कि सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। औरंगाबाद में कोरोना को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं और कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। अस्पतालों में हो रही है लोगों की स्क्रीनिंग। मसौढ़ी में प्रशासन की लाख अपील के बाद भी कुछ लोगों ने लॉकडाउन के दौरान अपनी दुकानें खोली। इस दौरान पुनपुन बाजार के साथ दुकानदारों पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने FIR दर्ज की। सासाराम में भी लॉकडाउन में लोग घरों में ही बंद हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जिन लोगों की स्क्रीनिंग हुई है उसे मुखिया लोग मान नहीं रहे। लॉकडाउन की वजह से अब सब्जियों की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। सब्जियों के दाम बढ़ने से लोग परेशान। कोरोना को लेकर बाढ़ प्रशासन लोग को लगातार जागरूक कर रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी सुमित कुमार लोगों से लगातार लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहे हैं। इसके बावजूद लोग लॉकडाउन में कोताही बरत रहे हैं। कोरोना में अफवाह भी लोगों की जान ले रहा है। कोरोना के खौफ से दिल्ली से दो मजदूर ट्रेन से पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर के लिए निकले। पैसे के अभाव में पटना से दोनों पैदल ही निकल पड़े। रास्ते में तबीयत खराब होने से एक मजदूर की मौत हो गई, दूसरे की हालत नाजुक। नवादा के बुंदेलखंड मोहल्ले में लोग कोरोना को लेकर जारी लॉकडाउन का पूरी सावधानी से पालन कर रहे हैं। मोहल्ले के गेट पर लगा ताला, किसी के आने जाने पर पाबंदी। छपरा के रामनगर काली स्थान परिसर में कोरोना के खिलाफ शांति यज्ञ और हवन का आयोजन। मां से महामारी से बचाने की प्रार्थना की। दानापुर में लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं बाद में मजबूरी में। पुलिस ने लोगों को कड़ाई से लॉकडाउन का पालन सिखाया। लोग लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करने के लिए किशनगंज DM लोगों से अपील कर रहे हैं। जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। भागलपुर में लॉकडाउन पर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। SP खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। बेगूसराय में भी लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। सड़कों पर निकलने वाले लोगों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। बिहटा में लॉकडाउन पर हाई अलर्ट पर जिला प्रशासन हर चौक चौराहे पर पुलिस की चौकसी। सड़कों से हटाई गई लोगों की भीड़। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जमकर पिटाई की। प्रशासन के आदेश के बावजूद लोग सड़कों पर निकले और खुद लोगों ने दुकान भी खोली। लॉकडाउन में पटना नगर निगम बेहद मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहा है। शहर के सभी हिस्सों में नगर निगम फॉगिंग और साफ सफाई कर रहा है। हाई अलर्ट पर है जिला प्रशासन। लॉकडाउन के तहत फारबिसगंज में भारत नेपाल सीमा को किया गया सील। SSB जवान लोगों को कर रहे हैं जागरूक। दर्जनों मजदूर बॉर्डर पर फंसे। लॉकडाउन पर अलर्ट पर खगड़िया जिला प्रशासन। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर प्रशासन की कर रहा है कार्रवाई। कोरोना को लेकर कुछ लोग अपनी दुकान भी चला रहे हैं। पटना सिटी के आगम कुआं में एक बाबा यज्ञ कर रहे हैं और लोगों से दावा कर रहे हैं कि यज्ञ से वो कोरोना को खत्म कर देंगे। मधुबनी में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की वजह से हाई अलर्ट पर जिला प्रशासन। भारत नेपाल सीमा सील। इनरवा में संदिग्धों की हो रही है जांच। आरा में लॉकडाउन पर हाई अलर्ट पर है जिला प्रशासन। बाहर से आए लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है। चिकित्सकों का दल भी तैयार किया है। अररिया में भी लॉकडाउन पर हाई अलर्ट। पुलिस प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई। अररिया में लॉकडाउन पर हाई अलर्ट। लोगों से प्रशासन ने लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। डीएम और एसपी ने तैयारियों का जायजा लिया। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन का लोग कड़ाई से पालन कर रहे हैं। सड़कों पर नहीं चल रहे हैं वाहन। दुबई से लौटा एक युवक वाहन नहीं मिलने से परेशान। लॉकडाउन को लेकर बेतिया में प्रशासन सख्त हो गया है। आज से सड़क पर घूमने वालों से 1000 का जुर्माना लिया जाएगा।
76 दिनों से चल रहे नागरिकता कानून के खिलाफ जारी आंदोलन को कोरोना वायरस के मद्देनजर प्रशासन ने आंदोलनकारियों को समझा बुझाकर समाप्त कराया। आंदोलनकारियों ने कोरोना के खतरे को समाप्त होने के बाद फिर से आंदोलन की बात की। सुपौल में भी जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कोरोना पर जानकारी के लिए जिला प्रशासन 104 कंट्रोल रूम बनाया है। डीएम और एसपी ने तैयारियों का लिया जायजा। लॉकडाउन के दौरान भी कुछ कारोबारी फायदे की सोच रहे हैं। बिहटा में कुछ दुकानदारों ने कालाबाजारी की तैयारी की थी। पुलिस ने छापा मारते हुए दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी। अररिया में लॉकडाउन के बावजूद लोग सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस ने सख्ती बरतते हुए लोगों पर कार्रवाई की। विक्रम के असपुरा सूर्य मंदिर में कोरोना को लेकर 31 मार्च तक पूजा पाठ और दर्शन पर रोक लगा दी गई है। छठ पूजा के प्रसिद्ध है ये मंदिर। कोरोना को लेकर सुपौल में भी लॉकडाउन जारी है। इस दौरान पुलिस ने आदेश का पालन नहीं करने वाले और मंचलों पर शिकंजा कसने के लिए शेरनी गश्ती दल का गठन किया जो शहर में गश्त करेगा। विक्रम प्रखंड के बागाकोल और अस्कोल इलाके के दो युवकों को कोरोना के संदेह में विक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, जहां से बेहतर इलाज को लेकर दोनों को पीएमसीएच रेफर किया गया। मधुबनी के जयनगर रेलवे स्टेशन पर महाराष्ट्र से सैकड़ों लोग पहुंचे। ट्रेन के एक एक यात्री की हुई स्क्रीनिंग, किसी में भी कोरोना के लक्षण नहीं मिले। एक तरफ तो प्रशासन कड़ाई से लॉकडाउन करा रहा है, दूसरी ओर कुछ दुकानदार मास्क और सैनिटाइजर तक की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बेतहाशा कीमतों पर मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री हो रही है। रांची में भी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन रोजमर्रा की खरीदारी करने के लिए लोगों को बाहर भी निकल रहे हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन लोगों को होम डिलीवरी के जरिए जरूरी सामान पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। कोरोना को लेकर चाईबासा में भी लॉकडाउन है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लेने कुल्हान डीआईजी सड़क पर उतरे। बीमा दफ्तर एटीएम पर लॉकडाउन पर असर नहीं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी कोई रोक टोक नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग और केबल आईटी सेवाएं भी जारी रहीं। सभी फैक्ट्री, वर्कशॉप, ऑफिस, गोदाम, हफ्ते में लगने वाला हाट बाजार पूरी तरह बंद। केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के ही सभी दफ्तर ऑटोनॉमस, सबऑर्डिनेट ऑफिस और पब्लिक कॉरपोरेशन भी लॉकडाउन के दायरे। लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में धारा 144 लागू। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी धारा 188 के तहत कार्रवाई। 6 महीने तक हो सकती है सजा। लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी काम से सड़क पर आने की सजा 6 महीने की जेल के साथ ही ₹1,000 जुर्माना भी देना पड़ सकता है, या फिर दोनों सजा भुगतने के लिए रहिए तैयार। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। निगरानी के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कोरोना से बेहाल अर्थव्यवस्था को जल्द मिलेगा आर्थिक पैकेज। वित्त मंत्री ने किया ऐलान। 2018-19 के लिए आईटी रिटर्न फाइल करने की 30 जून तक बढ़ी मियाद। विवाद से विश्वास आधार पैन लिंक की भी मियाद बढ़ी। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही पीएम मोदी ने कहा, अगर भारत की जनता ने 21 दिन नहीं संभाले तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी। शिक्षा, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रिसर्च से संबंधित सभी संस्थान भी बंद। पूजा स्थल पर भी आने जाने की इजाजत नहीं। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम पर भी पूरी तरह से बैन। अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक। कोरोना महामारी के संकट से बचाने के लिए उठाए गए सख्त कदम। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, केमिस्ट शॉप, मेडिकल उपकरण की दुकानें, पैथोलॉजिकल लैब पर लॉकडाउन लागू नहीं। पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी पर भी रोक नहीं। राशन, किराना, परचून की दुकानों पर रोक नहीं। सब्जी, फल, डेयरी, दूध, मीट, मछली की दुकानों पर भी लॉकडाउन का असर नहीं। बड़े स्टोर में भी एक वक्त 4 लोगों को रहने की इजाजत। बैंक काम करते रहेंगे। सफाई का काम करने वाले लोग भी काम पर तैनात रहेंगे। रक्षा, पुलिस, रेवेन्यू, डिजास्टर मैनेजमेंट, बिजली, पोस्ट ऑफिस, फायर और इमरजेंसी सर्विस भी खुली रहेंगी।
केवल इमरजेंसी के हालात में ही निजी गाड़ियों को ले जाने की इजाजत, क्वारंटाइन सुविधा के तौर पर इस्तेमाल की जा रही इमारतें भी लॉकडाउन के असर से निपाह। दुनिया भर की एयरलाइंस कंपनियों पर छाया अस्तित्व का संकट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हवाई परिवहन उद्योग को बचाने की लगाई गुहार, राहत पैकेज की मांग। कोरोना के डर से उत्तर अमेरिकी देश मैक्सिको में सड़क पर की गई प्रार्थना, लोगों के पास तक पहुंची धार्मिक यात्रा, दूर से लोगों ने होली क्रॉस के दर्शन। और इन्हीं खबरों के साथ 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।